आखिरकार रंग लाई गाजर पंचायत सचिव सत्यनारायण साहू की मेहनत, महिला मतदान हुआ 96% से अधिक। दरअसल लोकसभा चुनाव में गाजर ग्राम पंचायत सचिव सत्यनारायण साहू द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान में मतदाताओं को जागरूक किया गया था, जिसका नतीजा रहा कि गुना जिले की राधोगा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत गाजर के मतदान क्रमांक 163 के कुल 800 मतदाताओं में से 717 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही कुल मतदान प्रतिशत 90% रहा। अक्सर देखने में आया है कि मतदान केंद्र पर पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत अधिक रहता है, लेकिन गाजर पंचायत में इस बार 384 महिला मतदाताओं में से 370 महिला मतदाताओं ने वोट डाले। कारण यह रहा कि सचिव सत्यनारायण साहू ने महिला मतदाता सभाओं एवं महिला संगीत कार्यक्रमों एवं शादी विवाह कार्यक्रमों में महिलाओं को जागरूक किया। इसी का नतीजा यह रहा कि महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया। नतीजा महिला मतदान प्रतिशत 96% से अधिक रहा। गौर करने वाली बात यह है कि इस कड़ी धूप में भी आदिवासी क्षेत्र में इस मतदान केंद्र के अंतर्गत 3 से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित मजरा झूमर एवं ग्राम सरासी की पक्की सड़क नहीं होने के बावजूद भी शादी विवाह के समय पर लोकसभा के इस बड़े चुनाव में 90% मतदान होना एक चुनौती थी। इस चुनौती को स्वीकार किया गाजर के ग्राम पंचायत सचिव सत्यनारायण साहू ने और मतदाताओं को जागरूक करने में दिन रात एक कर दिया और आखिरकार पंचायत सचिव श्री साहू की मेहनत रंग लाई, जिसके कारण महिला मतदान हुआ 96% से अधिक, जो कि मकसूदनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में एक रिकॉर्ड है। और हम आपको बता दें कि पिछले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में भी गाजर के इसी मतदान केंद्र पर 90% से भी अधिक मतदान हुआ था, जिस पर पंचायत सचिव सत्यनारायण साहू को जिला मुख्यालय पर कलेक्टर द्वारा कैबिनेट मंत्री जगदत्त सिंह के हाथों से सम्मानित भी किया गया। मकसूदनगढ़ से ग्राउंड रिपोर्टर टोनी शाह की रिपोर्ट।